आपने अपनी एज के लिए कितनी बार प्रेशर फेल किया है? आज मैं 30 का हो गया हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट इन माई 20s एनीमोर। एंड ये चीज़ मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। मेरे पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है, ना ही मेरे बच्चे हुए हैं, ना ही मेरे पास वाइफ है, एंड ना ही मेरे पास अभी तक कार है। एंड ऑनेस्टली मैं आपसे बात करूँ तो आगे मुझे लाइफ में क्या करना है वो अभी तक मुझे पता नहीं है। हमारे समाज सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अनुसार एक 30 साल के इंसान को वरीड होना चाहिए। ये एक एज ट्रैप है एंड ये ट्रैप में हम सब फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। लोग मुझे बोलते हैं कि लैम तू पीएचडी कर ले एंड डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर ले, बट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है बट जॉब के लिए वो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। लोग मुझे ये बोलते हैं कि लैम तू 30 का हो गए, तुझे शादी कर लेनी चाहिए, बट फ्रेंड्स मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं कि वो लोग उनके ही रिलेशनशिप से अनहैप्पी है। लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि लैम तू 30 का हो गया है, अभी तक तो तेरे 2 बच्चे हो जाने चाहिए, बट फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक खराब पिता बनूँ इससे बेटर है कि मैं वेट करना पसंद करूँगा। इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट 44 साल की एज में शुरू किया था। मार्था स्टीवर्ट, जिनको उनका सबसे बड़ा ब्रेक 40 साल की एज में मिला था, एंड आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर की मालकिन है। स्टैनली, जो कि मार्वल कॉमिक्स क्रिएटर है, उन्होंने अपनी सबसे पहली कॉमिक 39 साल की एज में लिखी थी। आई एम डूइंग व्हाट आई एंजॉय डूइंग। एंड सुजैन बॉयल, जिन्होंने अपनी सिंगिंग करियर 47 साल की एज में शुरू की एंड उनका एल्बम यूके में मोस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड आप अपने एज के प्रेशर में आकर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना एंड ये चीज़ को आप पे कभी भी हावी मत होने देना। हम बड़े बहुत ही डिफरेंट तरीके से होते हैं। बहुत सारे ऐसे यंगर लोग हैं जो कि उनसे बड़े लोग से बहुत ही मैच्योर है, एंड दैट्स फाइन। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ जिनकी एज 82 साल की है बट उनका माइंड एंड हार्ट एक टीनेज का माइंड एंड हार्ट है, एंड दैट्स अमेजिंग। जब आप ये समझ जाओगे तब आप सारे प्रेशर से फ्री हो जाओगे। आज जब मैं अपनी 30 साल की लाइफ को देखता हूँ एंड सोचता हूँ कि आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने जो किया है एंड आने वाले दिनों में मैं जो करने वाला हूँ वो मैं अपनी पेस से करता हूँ, क्योंकि हम सब के पास हमारी खुद की क्लॉक होती है एंड कभी कभी हम सेम डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पर एक साथ कभी नहीं पहुँच सकते।